और वहीं हाथरस भगदड़ कांड के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासन और सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है और इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच हो जिससे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। तो अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, गिरफ्तारियों की न्यायिक जांच हो, छोटी मोटी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। हाथरस भगदड़ कांड पर अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, सैकड़ों लोगों की मौत से पल्ला झाड़ रहे हैं, प्रशासन ने विफलता से सबक नहीं लिया, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराती रहेंगी।